हेलो एवरीवन, आई एम दीपक पुरवे। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7th ऑन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 13 लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 13। इन दिस वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमिसेस साइज। क्वेश्चन इज इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तीन लाइन दिया गया है, इस तीनों लाइन का नाम दे देते हैं, इसको ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पर इस सभी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम ओ दे दिए, और तीन एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एफ ओ सी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये तीन पार्ट में, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये। तो ये एंगल पता है, ये एंगल नहीं पता है। तो ये एंगल हमको पता हो जाए तो तीनों का सम हम 180 लिख सकते हैं, तो वहां से हमको वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये एंगल का हम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सिंस AD and BE आर इंटर intersected each other at a point O। इसलिए यहाँ से A O B is equal to angle D O E हो जाएगा। ये किस कंसेप्ट से, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के कंसेप्ट से। वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसलिए ये आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हमको डी ओ ई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, डी ओ ई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, जो ए ओ बी के इक्वल होगा। ए ओ बी की वैल्यू है 6y। नाउ एफ ओ सी FOC is a straight line, इसलिए FOE angle FOE plus angle DOE angle DOE plus angle COD COD तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। कंसेप्ट क्या लिखाएगा, तो लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल। तो यहां से एफ ओ ई का वैल्यू पुट करेंगे तो 4y, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 6y, और इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 8y। 180 डिग्री यहां से 4 और 6 10y और प्लस 8y दैट इज 18y। 18y का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। यहाँ से y का वैल्यू 180 डिग्री बाय 18 दैट इज 10 डिग्री इज द आंसर। तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ y पता करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू कितनी आई, 10 डिग्री इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इन द फिगर 3 coplanar lines intersect at a point O forming angles as shown in the figure. Find the values of x, y, z and u. 3 coplanar points है, 3 coplanar lines है। Coplanar lines when two or more than two lines intersected each other at a point, अगर दो से अधिक lines जो है एक ही point पर intersect करे तो वे lines जो coplanar lines कहलाएंगे। तो यहाँ पर दो value दी गई है, ये angle 90 degree और ये angle 50 degree, और चार angle यहाँ पर unknown जिसकी value हमें find करना है। Now let's see the solution। अब यहाँ पर जो दिया हुआ वैल्यू है उसी से हमको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो
जेट और 90 डिग्री जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो जेट के लिए नाम अगर देना चाहें, नाम अगर दे देते हैं, यहाँ ए, ये बी लाइन, उसके बाद इसको अगर हम सी डी कह दें, इसको अगर हम डी एफ कह दें, ये तीन लाइन का नाम दे दिए, तो ए ओ सी एंगल, ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे हुआ, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल फॉर्म होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इम्प्लाइज डेट हमको ए ओ सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो जेड डिग्री इज इक्वल टू बी ओ डी की वैल्यू फाइंड एंड 90 डिग्री, तो जेड की वैल्यू तो निकल गई। अब वाई और 50 डिग्री भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, तो इसको हम नेक्स्ट पे, सिंस सी ओ ई एंगल सी ओ ई एंड डी ओ एफ एंगल डी ओ एफ आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल्स, इसलिए एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ, यहाँ से सी ओ ई का वैल्यू पुट करेंगे तो वाई डिग्री और डी ओ एफ का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, तो जेड और वाई दो वैल्यू फाइंड हो गई। अब बच गया है एक्स और वाई, तो यहाँ पर एक्स और वाई, यहाँ u प्लस 50 प्लस 90 तीनों मिल करके तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ए ओ ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, नॉनसेंस, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर U का प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये तीन एंगल, ये स्ट्रेट एंगल तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है, ये तीनों पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है, ये तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ से U का वैल्यू निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 50 90 प्लस हो जाएगा 140 डिग्री 140 डिग्री, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने के बाद 40 डिग्री हो जाएगा यू की वैल्यू, तो यू की वैल्यू निकल गया। अब U और X जो है आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है, तो लिखेंगे बी ओ ई इज इक्वल टू ए ओ एफ, नाउ बी एंगल बी ओ ई एंड एंगल ए ओ एफ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए बी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए ओ एफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण ये दोनों आपस में इक्वल, बी ओ ई का वैल्यू है एक्स और ए ओ एफ का है यू, यू का वैल्यू भी जस्ट फाइंड किए हैं 40 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू 40 निकल गई, हेंस हमसे पूछा जा रहा था एक्स की वैल्यू 40 डिग्री, y की वैल्यू 50 डिग्री यहाँ, और एक्स वाई जेड, जेड की वैल्यू 90 डिग्री पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड नेक्स्ट यू, एंड यू इज इक्वल टू, यू का वैल्यू अभी जस्ट 40 डिग्री, इज द सॉल्यूशन ऑफ
द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में अपने कंसेप्ट का यूज कर करके जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन उसको कंसेप्ट से रिलेट करेंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।